नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कोरोना की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी में आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर अब मध्य प्रदेश के हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। हालांकि लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, पर नए मरीजों के मिलने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। आज पहली बार भोपाल में एक साथ कोरोना के 54 नए मरीज सामने आए। कोरोना पीड़ितों में 2 हवलदार और 2 पटवारी भी शामिल है। इधर इंदौर की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। इसके बाद सबसे ज्यादा संक्रमित जिले उज्जैन में आज 23 नए मरीज मिले हैं। इनमें अकेले बड़नगर के 13 मरीज हैं। आज खंडवा में 20 और बुरहानपुर में भी 13 नए मामले सामने आए। इधर जबलपुर में 6, मंदसौर में 4, नीमच में 7 और देवास में 5 मरीज मिले। कुल मिलाकर शहर कोरोना का कहर जारी है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में इन्हीं रेड जोन जिलों की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार बढ़ रहे मामलों के पीछे क्या कारण है, साथ ही लॉकडाउन में लोगों को आखिर क्या क्या परेशानी हो रही है और उन्हें क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं, जरूरत का सामान मिल पा रहा है या नहीं। सबसे पहले भोपाल से हमारे साथ होंगे सहयोगी निर्मल सिंह पैस और इंदौर का हाल बताएंगे विकास सिंह सोलंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे ग्वालियर, जबलपुर के संवाददाताओं के पास और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्वराज चैनल के इसके चैनल हेड जो है एसपी त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, हमारे खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में जो आंकड़े हम बता भी रहे थे कि चौंकाने वाले हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और उन शहरों में भी बढ़ रहे हैं जहां पर विराम लग चुका था, जिनको रेड जोन से ग्रीन जोन मानते थे अपन, ऑरेंज जोन मानते थे, उनमें बढ़ रहे हैं। इंदौर में कम हो रहे हैं, भोपाल में लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छा है क्या, बिल्कुल कितने सैंपल लिए जा रहे हैं? कभी मुझे तो शक इस बात का है कि जैसे एक बार पॉजिटिव आ गई दूसरी बार नेगेटिव आ गई, कई बार एक बार नेगेटिव आती फिर पॉजिटिव आ जाती फिर पॉजिटिव आ जाती है, तो थोड़ा सा इसमें और कास्ट चेक करने की जरूरत होगी। लेकिन जो अभी फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं और बहुत ही गंभीर मामले, खासकर जहांगीराबाद इलाके में। लेकिन जहांगीराबाद जैसे घनी बस्ती और भी है, शाहजहानाबाद है, दूसरे और जगह है जहां इस तरह के और ज्यादा सैंपल लेने की जरूरत है। लेकिन ये आंकड़ा तो मुझे लगता है 2 से 3 महीने तक इसी तरह बढ़ता रहेगा घटने का। हालांकि जितने ठीक हो रहे हैं औसत आप देखें तो 300 के ही लगभग मरीज भोपाल में है। रोज मिलते हैं, कभी 40 मिलते हैं, कभी 45 मिलते हैं, लेकिन उसी रेशियो में ठीक हो जाते हैं। तो हम अगर 700-750 का आंकड़ा है हमारे, तो ये अगर घट करके 300 बने, हम एक्टिव पेशेंट के मामले में 300 से 350 इसी के आसपास है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से निर्मल सिंह बैस और विकास सिंह सोलंकी इंदौर से हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले निर्मल जी के पास है, विकास से पूछ लेते हैं इंदौर में आज क्या रहा यहाँ का। तो बिल्कुल विकास, इंदौर में क्या कुछ अपडेट है आज का नया? जिस तरह लगातार जो स्वास्थ्य विभाग ये कोरोना को लेकर जो सैंपल लिए जा रहे हैं, अगर बात करें तो 1100 सैंपल जो है उनकी जांच की गई थी, जिसके अंदर 81 जो सैंपल है वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिससे इंदौर का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। इंदौर में 2016 कोरोना के पॉजिटिव मरीज है। वही कल 2 और मौतों के बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 92 तक पहुंच गया है। लगातार ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 48% के हिसाब से जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो लगातार डिस्चार्ज हो रहे हैं। 928 मरीज अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। वही 60 मरीज और आज अरविंदो अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। हालांकि इंदौर के अंदर जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वह लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि इंदौर कलेक्टर ने आज इंदौर में 5 और नए कंटेनमेंट एरिया घोषित किए हैं, जिसमें छोटा बांगरदा रोड, नेहरू नगर और 3 इलाके गंगा सहित 2 इलाके ऐसे हैं जिनमें कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है, जिसके बाद 368 से बढ़कर 5 और कंटेनमेंट एरिया हो गए। लगातार घोषित जो एरिया है खजराना, चंदन नगर, उनमें भी लगातार मरीजों की जो संख्या है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो आंकड़े में कमी आई है, लेकिन जो मरीज है रोजाना मिल रहे हैं। अभी तक लॉकडाउन के अंदर 53-54 दिनों पर एक दिन भी ऐसा
नहीं हुआ कि जिस दिन इंदौर के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले होंगे, लगातार जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। वही जो राज्य सरकार है, जो मजदूरों का लगातार पलायन चल रहा था उसको लेकर इंदौर से स्पेशल ट्रेन चलने की बात कही जा रही है, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने अभी तक एक भी आवेदन नहीं आने की बात कही है। लेकिन 13 और 14 को जो ट्रेन है वो किस तरह चलेगी, क्या समय रहेगा, वो शाम तक जो है पूरी जो सूचना है वो अधिकारियों के पास दी जाएगी। लेकिन जो रीवा और सतना के जाने वाले मरीज है उन्हें राधा स्वामी के अंदर जो बना हुआ प्रांगण है वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पर जांच करने के बाद उन्हें कल सुबह हो सकता है कि ट्रेन से रीवा और सतना के लिए रवाना किया जाए। वहीं अगर बात करें इंदौर के अंदर जो लॉकडाउन है उसका सख्ती अब नहीं दिखाई दे रही है। दोपहर या सुबह के अंदर हजारों की संख्या में जो वाहन है लगातार देखने को मिल रहे हैं। इंदौर के आसपास के जो जिले खुले हुए उन जिलों के अंदर भी कई वाहन जो है लगातार पहुंच रहे हैं। जी इंदौर विकास, सबसे पहले एक बार फिर बताएं कितने सैंपल कल लिए गए थे, उसमें से कितने पॉजिटिव आए हैं, और अभी तो मेडिकल जो बुलेटिन है वो आया नहीं होगा, आज कितने सैंपल लिए गए हैं, कल कितने लिए गए हैं पॉजिटिव आए, और डिस्चार्ज कितने हुए हैं कुल? कल जो स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है उसमें 1400 से ज्यादा मरीजों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 11 जो मरीजों की सैंपल की जांच रिपोर्ट में 81 जो मरीज है उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। वही 28 लोग कल डिस्चार्ज हुए थे, जिसके बाद इंदौर का जो डिस्चार्ज का आंकड़ा है वो 928 के करीब हो गया है। वही 2 मौत के साथ मौत का आंकड़ा बढ़कर 92 के लगभग पहुंच गया है। 92 आंकड़े, मतलब थोड़ा सा मैंने 81 मिले हैं और 28 रिलीज हुए हैं ना? जी 28 लोग डिस्चार्ज हुए हैं कल, और आज 60 और आज डिस्चार्ज जो अरविंद अस्पताल से है शाम 6 बजे के बाद 60 और मरीज डिस्चार्ज किए जाएंगे। लेकिन शाम तक एक रिपोर्ट फिर आएगी, आज कितने सैंपल की रिपोर्ट आएगी? जी निश्चित रूप से कल के जो 300 सैंपल है और 1000 रोजाना जो सैंपल की जांच हो रही है तो 1400 के लगभग जो है इंदौर के अंदर आज जांच की जाएगी। उसमें देखना होगा कि कितने सैंपलों की जांच हो पाती है और रिपोर्ट का आंकड़ा क्या आता है। जिस तरह से रोजाना जो रिपोर्ट आ रहा है अगर 1000 के अंदर जो 70-80 मरीज रोजाना कोरोना पॉजिटिव इंदौर के अंदर मिल रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से जून जुलाई का राष्ट्रीय स्तर पे कहा जा रहा है कि पीक टाइम आने वाला है जब सबसे ज्यादा मरीज मिलने वाले हैं, तो इस पर भी बैठकों में दौर चल रहा है, और क्या कुछ तैयारियां स्वास्थ्य विभाग को करने के निर्देश? और आपके जो डॉक्टर जड़िया से आपकी बात होती है और मैनेजमेंट से जो प्रशासन है उनसे बात होती है, उनका क्या अनुमान है? जी निश्चित रूप से जिस तरह मरीजों के आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं इसको लेकर कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की बैठकों का रोल लगातार जारी है। और बात करें तो जो कंटेनमेंट एरिया है 300 से 400 के लगभग इंदौर के अंदर है, उन क्षेत्रों के अंदर मोबाइल वैन और जो आशा कार्यकर्ता है जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार पंचिंग कर रही है, और जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं वहां पर रोजाना जो कंटेनमेंट एरिया है उनके 50 घरों पर जाकर सभी टीमें अपने हिसाब से जांच करती है, और जांच के बाद जो रिपोर्ट है अगर डॉक्टर की जरूरत होती है डॉक्टर की टीम जाकर वहां पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। वही इंदौर कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 17 तारीख के दिन जो तीसरे चरण का लॉकडाउन खत्म होने वाला है उसमें इंदौर जिले में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि इंदौर के अंदर लगातार जो मरीज मिलते जा रहे हैं। इंदौर में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिसमें मरीज नहीं मिले। हालांकि इंदौर के अंदर कुछ राहत और दी जा सकती है, जैसे कि जो दूध का समय था उसमें 1 घंटे का इजाफा जो है इंदौर कलेक्टर ने किया है। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक जो दूध वितरण है उनको छूट दी गई है। वहीं अगर बात करें तो इंदौर के अंदर लगातार जो महाराष्ट्र की तरफ से या जो गुजरात की तरफ से जो लोग जो है मजदूर वर्ग है जो खासा ही पैदल चल के आ रहा है उसको लेकर समाज सेवी संस्था जो है लगातार काम कर रही है, उनके भोजन की व्यवस्था कराने का काम किया जा रहा है। वहीं जो प्रशासन है वो इंदौर के बाहर उन्हें वाहनों के साथ छुड़वा रहा है। जी कुछ कंटेनमेंट जो क्षेत्र है आपने कहा लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कई ऐसे कंटेनमेंट क्षेत्र होंगे जहां मरीज मिले हैं और ठीक हो गए हैं, तो क्या कंटेनमेंट क्षेत्र भी कम हुए हैं? कुछ बढ़ तो रहे हैं अलग बात है, लेकिन कम भी हुए हैं कुछ? निश्चित रूप से इंदौर के अंदर चंदन नगर खजराना इन क्षेत्रों में जो है लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, लेकिन अभी इंदौर के अंदर कंटेनमेंट क्षेत्र बढ़ रहे हैं। आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने 5 और कंटेनमेंट एरिया बढ़ाए। नहीं, जिनको शुरू में कंटेनमेंट बनाया होगा क्षेत्र, क्या वहां ठीक हो गए होंगे तो उनको कम किया, उनको हटाया, क्या भी कंटेनमेंट है?
नहीं, उन जिन क्षेत्रों के अंदर शुरुआत से मिला था वहां पर ऐसा दौर रहा है कि लगातार जो उनके टच के मरीज हैं अभी तक जो है लगातार खजराना हो, चंदन नगर हो, नेहरू नगर हो, लगातार उन क्षेत्रों से इक्का दुक्का मरीज लगातार मिल रहे हैं। तो इसलिए वहां पर जो कंटेनमेंट क्षेत्र है उसे घोषित कर दिया गया है। वही जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है उनमें भी लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वह मिल रहे हैं। कल 5 और आज इंदौर कलेक्टर ने 5 और कंटेनमेंट एरिया बढ़ाए हैं, जिससे इंदौर के अंदर कंटेनमेंट जो संक्रमित क्षेत्र है वो बढ़कर आए हैं, 368 से 5 और बढ़ गए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। निर्मल जी साथ में, निर्मल जी क्या है पूरे प्रदेश की जानकारी? कोरोना मीटर ने जो आज भोपाल में अगर नजर डालें तो बहुत बड़ी उछाल ली है, और यूं कहना चाहिए कि अब तक की सबसे बड़ी उछाल ली है भोपाल में। 54 पॉजिटिव, सेंसस टाइप उछाल हो गया क्या जी? सेंसस टाइप उछाल हो गया बिल्कुल, बहुत ज्यादा ये उछाल, इतना बड़ा अभी तक नहीं आया था, एकदम से 54 मरीजों का मिलना। और कल की 774 जो मरीज थे तो अब ये आंकड़ा भोपाल का 828 पर पहुंच चुका है, और 33 मौतें हो चुकी हैं भोपाल में, 499 डिस्चार्ज हो चुके हैं, और 39 यानी कि 39 मरीज आज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। एक बार फिर से बताइए भोपाल में कुल कितने पेशेंट हुए, कितने डिस्चार्ज हो गए? जी, 828 पॉजिटिव मरीज अब तक आए हैं और उनमें से 499 डिस्चार्ज हो गए हैं, साथ ही 39 मतलब वही लगभग 300 के पास ही एक्टिव पेशेंट है। जी बिल्कुल 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 सही कहा, 500 घट गए हैं क्या? हालांकि हमारा आंकड़ा 852 का बता रहा, आप बोल रहे हैं 828। बिल्कुल 828, इसको जोड़ दिया जाए 54 को तो चलिए हमारा टैली में कुछ गड़बड़ होगा। जी, और जहांगीराबाद जो है जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है, वहां आज 10 पुलिसकर्मी जो है पॉजिटिव आए हैं, और अब तक जहांगीराबाद अकेले में 199 यानी कि 199 मरीज जो है सामने आए हैं। और जो आज पॉजिटिव आए हैं वो संक्रमण जो है ट्रैफिक थाने तक भी जा पहुंचा है, ट्रैफिक थाने के 2 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके अलावा मिसरौद में 1 सिपाही जो है पॉजिटिव पाया गया है, एम्स में भी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमण का शिकार हुए हैं कई, और आज जो है एम्स के नर्सिंग अफसर जो है वो भी पॉजिटिव आई है। तो प्रशासन का प्रयास है कहीं ना कहीं ये जो चेन है इसको ब्रेक किया जाए। अभी मैं पहले बात करूंगा पूरे प्रदेश की टैली की जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो इंदौर का तो हमारे साथी बता चुके हैं, उज्जैन में 237 के आसपास ही आंकड़ा है, 45 की मौत हो चुकी है, जबलपुर में 133 है, 7 की मौत हो चुकी है करीब, और MP में अगर बात करें तो 3785 मरीज सामने आए हैं और 1747 डिस्चार्ज हो चुके हैं, और 221 जो है पूरे प्रदेश में अब तक काल कवलित हो चुके हैं। और सैंपल की अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो पूरे प्रदेश स्तर पर अगर सैंपलिंग देखी जाए तो 3970 3970 सैंपल लिए गए हैं कल तक की डेट में, जिसमें कल तक की डेट में कि कल सिर्फ कल 3970 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 171 पॉजिटिव आए थे और 3751 जो है निगेटिव आए थे। और इस तरीके से जो पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत था वो कल 3.30 था। जी बिल्कुल, अब आपके साथ लौटेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद शर्मा ग्वालियर से। विनोद जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अब तक ये गनीमत है कि वहां का कोई ग्वालियर का लोकल आदमी इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, बाहर से आए हैं जो भी आए हैं, लेकिन अब आंकड़ा 26 के तकरीबन पहुंच गया, क्या अब कोई है कि जो वहां का लोकल इन्फेक्टेड हुआ? देखिए, जो लोकल इन्फेक्टेड हुआ था वो गंगाराम है, जो कि डबरा का रहने वाला है और बर्फ कारोबारी है, उसकी बर्फ फैक्ट्री है, और जब वो आया था तो उसको सांस लेने में परेशानी थी, इसके अलावा उसको शुगर की बीमारी थी, जिसके बाद उसकी 9 तारीख को मौत हो गई थी, और मौत होने के बाद आज उसकी जो रिपोर्ट आई है अब से कुछ देर पहले वो कोरोना पॉजिटिव है। तो ये एक अपने आप में बड़ी परेशानी हो गई है, क्योंकि उसका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है उसकी, किसी तरह से वो बाहर नहीं गया, किसी से मिला जुला नहीं है, वो केवल घर में रहता था और जो उसका कारखाना था वहां बैठता था। ऐसे में ये आकलन किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके जो बर्फ कारखाना है उस पर लोग आते रहे हो, उसमें से कोई इन्फेक्टेड हो और उसको इन्फेक्शन कर गया हो, क्योंकि उसकी उम्र थी वो 80 साल थी, लिहाजा उसको जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 9 तारीख को लेकर आए थे उसकी, और 10 तारीख को उसकी मौत हो गई। लेकिन जब रिपोर्ट के लिए सैंपल भेजा गया तो आज तक उसके सबको रखा गया था, और अब से कुछ देर पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया है कि वो कोरोना पॉजिटिव था। तो ये एक बड़ी परेशानी है, क्योंकि इसकी कोई भी किसी भी तरह से ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसके संपर्क में आया
और वो इस जगह की क्या स्थिति है, इसको लेकर प्रशासन अब मंथन कर रहा है और वहाँ के जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाहर से आया हो। अब तक जो मरीजों की संख्या है वो 26 हो चुकी है। उस पेशेंट को तकलीफ क्या थी? देखिए, उसको एक तो पहले से ही उसको शुगर को बीमारी, शुगर की बीमारी थी उसको, इसके बाद उसके और उसको लेकर परेशानी थी, उसको सांस लेने में परेशानी आ रही थी जब लेकर आए थे उसको, क्योंकि पहले से ही शुगर उसको ज्यादा लेवल रहता था, जिसके बाद उसके परिजनों का कहना है कि अक्सर वो बीमार होते रहते थे, सांस लेने में उनको दिक्कत आती रहती थी, तो उनका यही मानना था कि शायद उसी वजह से रहा हो। इसको लेकर वो जब आए और अस्पताल में उन्होंने भर्ती किया तो डॉक्टरों ने ये समझा कि इसका उपचार होना चाहिए, इसका टेस्ट भी होना चाहिए, और जब टेस्ट किया गया तो आज कोरोना पॉजिटिव आया, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स थे वो चिकित्सीय लिहाज में वो पहले से ही समझ में आ रहे थे कि इसको निश्चित तौर पर कोई ना कोई परेशानी होनी चाहिए, कोरोना इफेक्ट होना चाहिए इसको, और वो सही निकला। इसके बाद अब मरीजों की जो संख्या है वो 35 हो गई है, 8 उसमें से ठीक हो चुके हैं, एक की मौत हो गई है और 26 अभी भी एक्टिव हैं। तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसकी वजह से जो जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन 250 से लेकर 270 प्रतिदिन सैंपल लिए जाते हैं जिनका टेस्ट होता है। कल भी 3 मरीज जो थे कोरोना पॉजिटिव निकले थे, परसों 4 निकले थे। तो ये जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है आंकड़ा, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। आज भी जो सैंपल गए हैं माना जा रहा है कि उसमें से भी एक बड़ी संख्या निकल कर सामने आ सकती है पॉजिटिव की, और पूरे अंचल में भी यही हालात हैं कि यहाँ से जो भी, क्योंकि ग्वालियर जीआर मेडिकल कॉलेज में और डीआरडीओ में ग्वालियर ही सारे सैंपलों की जांच होती है, चाहे वो किसी भी जिले का हो अंचल का, तो वहाँ की भी मरीज भिंड के भी निकल कर आ रहे हैं। तो परेशानी ये है प्रशासन के सामने के जो ट्रेनें चलाई गई थी उससे जो बाहर के जो श्रमिक आ रहे थे वो अब गाँव में पहुँच रहे हैं, उसके बाद उनके जो सिम्टम्स निकल कर आएंगे वो बाद में आएंगे। केवल थर्मल स्कैनिंग करने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, और वो जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जैसे ही थर्मल स्कैनिंग उनकी होती है तो गाँव में जाकर बड़े आराम से रहने लगते हैं और उनको लगता है कि उनको कुछ परेशानी नहीं है, जबकि होम क्वारंटीन की बोला जाता है प्रशासन के द्वारा, और इतनी बड़ी संख्या में उनको शहरी क्षेत्र में तो क्वारंटीन नहीं किया जा सकता। साथ में इसमें यह भी सामने आ रहा है कि अब कुछ दिनों बाद इसको लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं गांव में जब वो जाते हैं या अपने इलाके में जाते हैं तो लोग उनको दूर कर रहे हैं। इस तरह के एक मामला आज सामने आया था कि वो कुएं से पानी लेने के लिए जा रहा था तो लोगों ने उसका विरोध भी किया और उसको घर में पहुंचाया। तो इससे ऐसा ना हो कि बाद में लोगों के बीच में विवाद की स्थितियां खड़ी हों, तो प्रशासन को चाहिए कि अभी से कुछ इस तरह की व्यवस्था करे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह स्कूल है, पंचायत भवन है, उनको क्वारंटीन सेंटर बनाए वहां पर, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं श्रमिक उनको वहां पर क्वारंटीन रखे, क्वारंटाइज करें उनको, और 14 दिन के बाद उनको घर जाने दे, चाहे वो घर में के बाहर हुआ ना हो क्वारंटीन सेंटर या कहीं भी हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन के पास एक बड़ा अमला होता है उस इलाके में, जो पटवारी होता है, सचिव होता है, तमाम उस इलाके क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनको इस ड्यूटी में तैनात किया जा सकता है। कि ग्वालियर चंबल संभाग में ये बड़ा विषम परिस्थिति है, स्थिति है कि यहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसे में अगर सामाजिक संक्रमण फैल गया किसी गांव में तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन का पालन कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई देता। लोग आज भी चौपालों पर बैठे रहते हैं, आज भी एक दूसरे के पास बैठे रहते हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं श्रमिक वह भी लोगों के संपर्क में रहते हैं, अपने परिवार के संपर्क में या बाहर जाकर अपने दोस्त यारों जो पुराने लोग उनसे मेल मुलाकात करते हैं, तो ऐसे में बड़ी विषम परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं कि बाद में उनको अगर संक्रमण निकल सकता है तो पूरे गांव के गांव को टेस्ट करना पड़ेगा और बहुत सारी स्थिति गंभीर हो सकती है। विवाद इस तरीके से इससे लेकर खबर ये भी मिल रही है कि वहां के लोकल लोगों के द्वारा तैयार करे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब किसी श्रमिक को भेजा वहां पर जो सीमाएं सील की गई है वो इस तरीके से की गई है। वहां के लोगों का कहना है कि अगर सुबह आप जल्दी जाओ तो आप कहीं भी आ जा सकते हो, किसी भी गाँव जा सकते हो, भिंड मुरैना भी जा सकते हो, सुबह कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ पर होता ही नहीं है कोई भी चेक पोस्ट पर गार्ड। बिल्कुल, आपने ग्वालियर देखा है बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल आपने जैसे देखा है ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर की जो पहाड़ी क्षेत्र है कई तरह के रास्ते हैं, खेत हैं आसपास उसके, और खेतों से कई रास्ते हैं। निरावली चौराहे पर जहां पुलिस चेकिंग कर रही है उसके पास में जो एक महू जमार करके गांव है वहां से रास्ता निकलता है मुरैना के लिए, और मुरैना के लोग सनीचरा मार्ग से होते हुए महू जमार आ जाते हैं। तो जो चेकिंग पॉइंट है वो निरावली पर लगाया है मुरैना पुलिस ने और ग्वालियर पुलिस ने। अगर चेकिंग पॉइंट से व्यक्ति निकल कर नहीं आएगा तो आराम से बाहर आ सकता है, जा सकता है। इसके अलावा सीपरी से जो लोग आ रहे हैं वो भी कई ऐसे रास्ते हैं सीपरी से आने के लिए बाद के ग्वालियर में, वो आराम से सुबह, और अधिकतर होता ये है कि अल सुबह 4 बजे से पहले लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय इतनी बड़ी चेकिंग नहीं होती है और दूर तक दिखाई नहीं देता है, काफी अंधेरा रहता है, तो लोग उसका फायदा उठाकर अंदर आ जाते हैं। और इसके साथ साथ डबरा से भी जब कोई व्यक्ति आता है तो मालवा कॉलेज होता हुआ
कई ऐसे रास्ते हैं, आपको मालूम होगा कि महाराजपुरा तक तकरीबन 7 से 8 ऐसे रास्ते हैं जिनसे अंदर आकर आराम से रह सकता है, चूंकि अभी खेतों में किसी तरह की फसल नहीं खड़ी हुई है, मट्टी सूखी हुई है पूरी तरह से, उन खेतों में से बाइक के द्वारा वो अंदर आ जाते हैं और चले आते हैं। कई बार तो ये भी देखने को मिला है कि कोई संबंधित व्यक्ति उनको बाइक से चेकिंग पॉइंट के पहले छोड़ जाता है और उसके बाद वो आराम से पैदल पैदल आ जाता है, क्योंकि चेकिंग पॉइंट पे जो तैनात पुलिसकर्मी है वो केवल वाहनों को चेकिंग करते हैं, बाइक को चेकिंग करते हैं और जो पैदल आते हैं उनको वो टच नहीं करते हैं। जी मामला बड़ा गंभीर है, इसीलिए हालांकि ग्वालियर कंट्रोल में है, ग्वालियर में कितने पेशेंट नए अभी मिले हैं और जो नए मिले हैं क्या पहले से क्वारंटीन थे? एक तो आपने बताया कि वो किसी के टच में नहीं था, ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है कोई, उसके बाद भी उनकी, लेकिन जो हमें पहले से परिजन बता रहे पहले से सांस की बीमारी थी और पहले से डायबिटीज था, ऐसे में उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और कोरोना पॉजिटिव आए, ये थोड़ा सा ये शंका कुशंका पैदा करता है। लेकिन अभिनव ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ कितने सैंपल लिए जा रहे हैं और कितने कुल ठीक हो चुके हैं और कितने नए पेशेंट आए हैं? देखिए अभी प्रतिदिन जो सैंपल लेने का जो रेशो है वो तकरीबन 250 से 300 के बीच में लिए जाते हैं और इनमें से जो सैंपल की रिपोर्ट आती है वो लगभग लगभग 10-20 छोड़ दिया जाए तो इतनी रिपोर्ट आ भी जाती है शाम तक। और इसके साथ साथ अभी तक आठ लोग ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं, 26 मामले अभी भी एक्टिव हैं और एक की जो मौत हुई है। इसके अलावा जो क्वारंटीन किए गए तकरीबन 8,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया था जिसमें से 6,000 लोगों का क्वारंटीन समय पूरा हो गया, वो अपने घर के लिए चले गए। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं जब उनको प्रशासन को पता रहता है ई पास के जरिए या ट्रेन के जरिए तो उनको क्वारंटीन करके उनका परीक्षण तो किया जा सकता है, लेकिन जो चोरी छिपे आ जाते हैं और आराम से आकर अपने गाँव में चले जाते हैं या फिर अपने घरों में छुप जाते हैं रात के समय आके, तो प्रशासन को जब पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो आखिर उसको किस तरह से क्वारंटीन किया जाएगा, किस तरह से उसको सतर्क रखा जाएगा उसके परिवार को, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो इतने परेशान होकर आ रहे हैं, बड़ी दूर दूर से हमने देखा है कि पैदल आ रहे हैं, बच्चों के साथ साइकिल से आ रहे हैं, ट्रकों में छुपकर आ रहे हैं, गेहूं की बोरियों के बीच में छुपकर आ रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र से आ रहे हों चाहे अहमदाबाद से आ रहे हों, क्योंकि अधिकतर ग्वालियर चंबल संभाग की जो लेबर वर्ग है या जो भी काम करने के लिए गए हैं वो गुजरात में अधिकतर काम करते हैं या फिर महाराष्ट्र में काम करते हैं, वहां से वो आ रहे हैं। ये अपने आप में पहले से ही इतने ज्यादा संक्रमित इलाके हैं जहां से वो लोग आ रहे हैं। अब प्रशासन को अगर किसी के द्वारा सूचना मिल जाती है तो उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है, लेकिन रात के समय जब वो अपने घर पहुंच जाता है तो उस समय उसके परिवार के लोग उसको जिस तरह से एक स्नेह और लाड़ का समय होता है वो कहते हैं कि इसको कुछ नहीं हो सकता, उसको अंदर घर में रख लेते हैं। ये बड़ी परेशानी हो जाएगी कि अगर ऐसा होता है तो उस आने वाले समय में ग्वालियर की जो स्थिति है और या ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति है वो संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक 5 से 6 ट्रेनें ग्वालियर आ चुकी हैं जो गोवा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमाम इलाकों से जो श्रमिकों को लेकर ग्वालियर आए हैं, उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई है, उनको घर पहुंचाया गया है, वहां जरूर प्रशासन की नजर है, लेकिन चोरी छुपे जो लोग आ जाते हैं उन पर नजर नहीं है। अभी एक वाकया तो ऐसा मिला कि दूध दिया के बेस में लोग बाहर से अंदर आने लगे हैं, क्योंकि एक टंकी किसी परिवार का व्यक्ति जाता है उसको दूध की टंकी पकड़ा देता है, उसके बाद अपनी बाइक देकर आ जाता है और वो उस दूध की टंकी पर बैठकर आ जाता है, जिससे पुलिस ये समझे कि ये दूध बेचने वाला दूधिया है। इसी तरह सब्जी बेचने की भी सामने यही स्थिति आ रही है कि सब्जी के जब वो छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं मैक्स उनको लेकर आते हैं तो वो बाहर ले जाते हैं, फिर वापस उसी को वापस लेकर उसका परिवार का कोई व्यक्ति जाता है और वो खुद क्लीनर यानी परिचालक बनकर उसके साथ आता है और वो अंदर आ जाता है। तो आखिर जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, जब तक खुद लोग नहीं समझेंगे, पुलिस क्या कर सकती है, प्रशासन क्या कर सकता है, हर व्यक्ति के पास हर पेड़ और हर तिराहे पर पुलिस तो नहीं खड़ी हो सकती, पुलिस का भी एक लिमिट होती है, दिन रात वो भी ड्यूटी कर रही है और चौराहों तिराहों पर और चेक पोस्ट पर तो पुलिस खड़ी रहती है, ये बात अलग है, लेकिन पुलिस जाकर ऐसी ऐसी जगह पर खड़ी नहीं हो सकती जहां केवल उन लोगों को मालूम है जो गांव के रहने वाले हैं, और वो वास्तव में पुलिस को उनका रास्तों को भी नहीं मालूम, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वो ऐसे वैकल्पिक रास्ते को खोज करते हैं जो सड़क पर ना जाते हुए हर रोजमर्रा के काम भी उन्हीं रास्तों से वो करते हैं, और ऐसे से अगर वो अंदर आ जाते हैं तो आखिर क्या किया जा सकता है। बड़ी बड़बड़ा खड़ी हो गई है प्रशासन के सामने, रोज बैठकें हो रही है, बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुनादी करा रहे हैं, लेकिन मुनादी से कुछ संभव नहीं होगा। पुलिस को, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को और वहां के जो स्थानीय निवासी, उनको ये समझना होगा कि ये रोग ऐसा नहीं है कि उसी व्यक्ति को परेशान करेगा, उसी व्यक्ति को संक्रमित करेगा, वो आपके परिवार को भी परेशान कर सकता है, समाज को परेशान करता है, पूरे गांव के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो यही कारण है कि लोग बाहर सतर्क रहें और जब भी कोई उनके पास बाहर का व्यक्ति आए, उनका चाहे बेटा हो या उनके परिजन हो या उनका रिश्तेदार हो,
उसकी जानकारी प्रशासन को लोगों में पूरी जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। वो भी तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विनोद सिंह। चलिए निर्मल जी के पास है। निर्मल जी, आपने बता दिया कि कहाँ कितने पेशेंट हैं, इसके अलावा भी कोई नई जानकारी प्रशासनिक? जी बिल्कुल, देखिए जो है अगर भोपाल और कोरोना को देखें तो भोपाल जो अब जिस तरीके से कोरोना का विस्तार हो रहा है वो मोटे तौर पर पुराने शहर में ही हो रहा है। भोपाल में सिर्फ टीटी नगर थाना इलाके में ही जो है ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जितने भी पुराने शहर है वहीं पर संक्रमण हो रहा है। तो इसलिए अब जो है प्रशासन खासकर जहांगीराबाद, ऐशबाग और मंगलवारा इलाके में चेन को ब्रेक करने के लिए, कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए एक तरह से कहना चाहिए भीलवाड़ा की तर्ज पर काम करने जा रही है और इसमें तलैया भी शामिल है। 3 दिन के अंदर 1.5 लाख का लोगों का यहाँ पे सर्वे किया जाएगा और जो स्थान मैंने आपको बताया यहाँ करीब 30,000 परिवार निवास करते हैं। तो ये एक प्रशासन का लार्ज स्केल पर सर्वे जो है इन इलाकों में जो 4 मैंने आपको बताया, जहांगीराबाद, ऐशबाग, मंगलवारा और तलैया, यहां पर करने की जो है बड़ी विस्तार से योजना बनाई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसा कि अभी दीपक जिक्र कर रहे थे कि जो जुलाई में खासकर ज्यादा संक्रमण फैलने का अंदेशा है तो उसके लिए सरकार ने 10,000 के करीब जो है मरीजों का इलाज करने की व्यवस्था पूरे प्रदेश में बना ली है। ऐसा लगता है कि कोरोना की जो कथा है वो बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरीके से मजदूर आ जा रहे हैं वो इसको लंबा खींचेगी। जी जाहिर है कोरोना की कहानी लंबी चलेगी, महाभारत फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सर जिस तरीके से अंकुश अमेरिका, स्पेन, इटली कोई देश लगा नहीं पा रहे कि हम सब लॉकडाउन से अंकुश लगा सकते हैं, मुश्किल है। अभी वैक्सीन जब तक, खैर देखते हैं आगे क्या होता है। निर्मल जी को धन्यवाद करते थे। निर्मल जी, आज नौतम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसके बारे में आप बताएंगे या आपके सहयोगी अरविंद जी बताएंगे? जी इस बारे में तो मैं ही बता सकता हूँ कि आज जो है उन्होंने जो बातें कही उसको तो फिर आप रुकिए थोड़ा सा, फिर अभी आपसे लेते हैं जानकारी। अरविंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जबलपुर की क्या स्थिति है? हालांकि जबलपुर कंट्रोल में है, भोपाल, इंदौर और खरगोन और इनके अपेक्षा जबलपुर कंट्रोल में है, ग्वालियर कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जबलपुर की क्या स्थिति है? आपकी आवाज, आपकी आवाज में हमिंग बहुत आ रही है। आवाज ठीक करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ठीक मिले आपको? जी बेहतर सुन पा रहे हैं डॉक्टर जी, आप ठीक सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था कि कोरोना का जो महाभारत है ये लंबा ही चलेगा या फिर जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं। आवाज सही नहीं आ रही है अरविंद जी, मैं आपके पास फिर से आता हूँ। निर्मल जी आप बता दीजिए क्या बोला नरोत्तम जी ने आज। बिल्कुल, जो आज जो बातें हुई हैं उनके साथ उससे उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो अब लॉकडाउन के बाद ही होगा। इसके अलावा उनका भी ये मानना है लॉकडाउन खुलने के बाद, बिल्कुल लॉकडाउन खुलने के बाद ही अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मतलब अगर 17 को लॉकडाउन नहीं खुला तो और आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल, लॉकडाउन की जो संभावना ऐसा लग रहा है, लग नहीं रहा है, खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन देखें कि 31 मई के पहले लॉकडाउन से इन शहरवासियों को निजात मिल सकेगी। और उनका ये कहना था जब स्वराज एक्सप्रेस ने सवाल किया कि जिस तरीके से अब आपने सामान्य यात्रियों के लिए ट्रेनें चल गई हैं देश में, तो क्या जो श्रमिक स्पेशल हैं वो जारी रहेंगी? तो उनका यह कहना था कि ये ट्रेनें जो है पहले की तरह जारी रहेंगी, तो ये जो प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि जो है श्रमिक स्पेशल रोकी नहीं जाएगी। क्योंकि विपक्ष का ये आरोप था कि ये अमीरों के लिए सरकार ने चूंकि एसी ट्रेन चलाई हैं, राजधानी एक्सप्रेस के बराबर उनमें किराया रख रहा है, तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आया सामने। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्जैन में अब कहीं ना कहीं सुधार होने लगा है, क्योंकि अब वहां पर एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इसके अलावा जो दुकानें हैं, खासकर जो किराने की दुकानें हैं, जिस तरीके से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी कहा था, ये 6 बजे से रात 12 बजे तक खुलने की अनुमति दे दी गई है, ये भी उन्होंने बताया है। और साथ ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से करीब 100 बसें जो है श्रमिकों को लेकर आ रही हैं, तो ये भी एक बड़ी जानकारी है। इस तरीके से पूरे प्रदेश में, हालांकि ऐसा लग रहा है कि सरकार ने ये सोच लिया है
कि पहले जिस तरीके से श्रमिक आ रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा इजाफा कहीं ना कहीं संक्रमण में होने वाला है, और उस हिसाब से तैयारी अब कहीं ना कहीं सरकार कर रही है। इसके अलावा एक खबर और भी है कि आज मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठा दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनके खातों में 250 करोड़ की राशि जो है वो डाल दी है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी। अरविंद जी, जी आप जानकारी दे रहे थे। मैं बता रहा था कि अभी तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 140 है, यहाँ पर मौतें 7 है, 47 से ज्यादा लोग अभी घर जा चुके हैं छुट्टी लेकर यानी स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 86 लोग अभी भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। ये तो हुई आंकड़ों की बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जबलपुर में कुछ झोला छाप डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं वे कोरोना का इलाज करने का दावा कर रहे थे, और जबलपुर में ऐसे मरीजों का चोरी छिपे इलाज कर रहे थे, लोगों के पास जानकारी जा रहे थे जिन्हें थोड़ी बहुत भी तकलीफ थी और कोरोना के नाम पर उनका इलाज कर रहे थे। स्वास्थ्य महकमे को जैसे इस बात की जानकारी मिली उन्होंने पुख्ता जानकारी इकट्ठा करी और संबंधित थाना प्रभारियों को इसकी जानकारी दी है, और पूरे जिले में इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों की अब शिनाख्त की जा रही है। पुलिस उन्हें लगातार ढूंढ रही है, उनके क्लिनिक में छापे मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। कुछ जगहों पर पुलिस निगरानी कर रही है कि जैसे ही झोला छाप डॉक्टर उनकी गिरफ्त में आएंगे उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी जो दूसरी जानकारी थी, तीसरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्वारंटीन क्षेत्र में जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर पुलिस की जो बैरिकेडिंग थी उसको लगातार 3 बार उखाड़ कर फेंकने की कोशिश की गई स्थानीय लोगों के द्वारा, और जब नगर निगम अमला वहां पर उस बैरिकेडिंग को दोबारा दुरुस्त करने के लिए गया तो पहले दिन शाम को उनके ऊपर अटैक किया गया। दूसरे दिन जब पुलिस फोर्स के साथ वहां पर नगर निगम का अमला वहां पर पहुंचा तब लोगों ने पुलिस फोर्स के सामने भी वहां पर लोगों के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उनको वहां पर बैरिकेडिंग करने नहीं दी। इस पर तमाम तरह की विवाद की स्थितियां बनी, तनाव की स्थितियां बनी, अभी वहां पर बैरिकेडिंग नहीं हो पाई है। समझाइश का दौर है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बल प्रयोग अभी वे नहीं करना चाहते हैं इस माहौल में, इसलिए उन्हें प्यार से समझाया जा रहा है कि बैरिकेडिंग क्यों जरूरी है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। चौथी जो सबसे बड़ी जानकारी सबसे अहम है जो आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरह से भोपाल में जहांगीराबाद के लोगों को आइसोलेट किया गया था उसी तर्ज पर जबलपुर में भी चांदनी चौक जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है जहां पर सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हैं, ये कहें कि चांदनी चौक हनुमानताल दोहलपुर सरोदय नगर के रहने वाले सभी लोग संक्रमण की चपेट में है, तो ऐसे चांदनी चौक में रहने वाले लोगों को अब आइसोलेट करने की पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन का प्लान बी लागू हो चुका है। संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने हमारे चैनल पर आकर इस बात की जानकारी दी और बताया कि चांदनी चौक में रहने वाले लोगों को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि हर तीसरे चौथे मकान के बाद एक मकान खाली होगा, वहां पर रहने वालों को सुरक्षित दूसरी जगह पर अभी शिफ्ट किया जाएगा। 21 दिन तक उनको वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद जब स्थितियां चांदनी चौक हनुमानताल में कुछ ठीक होंगी तब उसके बाद उनको वापस यहाँ पर लाया जाएगा। अब लोगों को समझाइश दी जा रही है, मानसिक रूप से वहां पर लोगों को तैयार किया जा रहा है कि वे शिफ्टिंग के लिए तैयार हों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अपना घर छोड़ना किसी के लिए भी इतनी आसान बात नहीं होती है, ना ही हमारे लिए और ना किसी दूसरे के लिए, भले ही वो कितना बड़ा मरीज क्यों ना हो। तो इस तरह से जिला प्रशासन धीरे धीरे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है और इस बहुत बड़ी आबादी को वहां से शिफ्ट करना होगा दूसरी जगह पर। जो दूसरे ठिकाने हैं वो भी तय कर लिए हैं जिला प्रशासन ने, जहां पर इनको ले आकर रखना है वहां पर उनके खाने रहने सोने का तमाम इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं, और अब लोगों को धीरे धीरे समझाकर वहां से शिफ्ट करने की। अरविंद, अरविंद क्या आपसे जहां इन लोगों को आइसोलेट करने की बात कही जा रही है जो पेशेंट नहीं है, क्या आपने उस जगह का मुआयना किया है, क्या आपने देखा है? हालांकि मैं पूछ रहा हूँ, अगर देखा हो तो बताएं, क्योंकि भोपाल में भी जहांगीराबाद के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली कि आधे लोग वापस अपने घर पहुंच गए हैं, क्योंकि जहां आइसोलेट कर रहे हैं जहां सुविधाएं देने की बात की जा रही वो सुविधा है नहीं। अंजुमन स्वामी स्कूल आपने भी देखा होगा, सेंटर के बीच जोधपुर शहर के बीच बाजार में वो स्थित है, बहुत बड़ा कैंपस है उनका, 3 मंजिला उनकी इमारत है, सारी सुविधाएं है, बहुत बड़ा उनका ग्राउंड है, आसपास के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि शहर के सबसे प्राइम लोकेशन पर वो जगह है। वहां पर सबसे ज्यादा इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, वहां पर उनके खाने रहने सोने की तमाम व्यवस्थाएं हैं, वहां पर टॉयलेट वगैरह भी काफी अच्छे हैं जो, और यहाँ पर जो नगर निगम ने जो स्मार्ट सिटी के जो टॉयलेट्स हैं, जो पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं, वो वहां पर लेकर रख दिए हैं, पानी का वहां पूरा इंतजाम कर दिया गया है,
साफ सफाई की व्यवस्था के लिए अभी से तैनाती कर दी गई है वहाँ पर, तो एक व्यवस्था ये है। दूसरी एक और व्यवस्था है, हालांकि वहाँ पर थोड़ा सा बस्ती के लोगों का जरूर था, इस वजह से अभी जिला प्रशासन ने उस जगह को घोषित तौर पर तो नहीं किया है, लेकिन अमूमन एक या दो दिन में वो जगह भी क्लियर हो जाएगी। वहाँ पर भी स्थान पर तमाम तरह की सुविधाएं हैं, यदि लोगों को वहाँ पर जाकर रखा जाएगा। अरविंद गर्मी बहुत पड़ रही है, अरविंद गर्मी बहुत पड़ रही है, आप भी जानते हैं कि आजकल लोअर मिडिल क्लास, यहाँ तक कि लेबर क्लास के यहाँ भी पंखे पे काम नहीं चल रहा है, या तो बाहर लेटते हैं अपनी मच्छरदानी गद्दा लगा के, छोटा सा कूलर रखते ही है। तो ऐसे में इस गर्मी के दौर में अगर स्कूल है अगर, तो उसमें पंखा लगा होगा केवल, मुझे जो लगता है, और बड़े हाल होंगे तो दो पंखे लगे होंगे, जिसको लेकर के लोग जो हमें यहाँ भी हमको जो शिकायत मिली है वो इसी बात की शिकायत मिली है कि मच्छर इतना काट रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा ढंग से, कोई कूलर नहीं है, ऐसी स्थिति में उनका जीवन काटना मुश्किल पड़ रहा। शादी ब्याह की परमिशन नहीं मिल रही है, बड़े आयोजनों की परमिशन नहीं है, टेंट हाउस खाली बैठे हैं, उनके पास तमाम इंतजाम है, सारी सुविधाएं हैं, जिला प्रशासन ने सारी की सारी हायर कर ली है और यही चीजें ले आकर इन जगहों पर स्थापित करने का काम चालू है। इस जाहिर सी बात है कि गर्मी के दिन है तो वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था हो, यदि मान लीजिए किसी हॉल में भी उनको रखा जा रहा है तो कम से कम एक एक हॉल में 8-8 कूलर की वहाँ पर व्यवस्थाएं भी की जा रही है, सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध है, यदि मच्छरों से कोई परेशानी होगी तो उससे निपटने के लिए मलेरिया विभाग की पूरी टीम वहाँ पर तैनात कर दी गई है। तो इस तरह से इंतजाम बहुत पहले से, लगभग 10 दिन पहले ये बात हमारे पास तक आ चुकी थी, चूंकि उस वक्त वो गुप्ती बातें थी और उस वक्त संभाग आयुक्त ने हमारे साथ शेयर भी नहीं की थी, लेकिन कल जब संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी साहब ने स्वराज एक्सप्रेस पर आकर ये बात खुले तौर पर स्वीकार की और बताया कि हम लोगों को अब शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, मानसिक रूप से उन्हें तैयार कर रहे हैं, काउंसलिंग का काम वहाँ पर चल रहा है, क्योंकि वो कंटेनमेंट जोन है, बहुत डेंजरस जोन है, वहाँ पर एक तरह से मीडिया को एक एडवाइस है कि ना जाए वहाँ पर, इसलिए हम लोग वहाँ पर अंदर जाने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है लेकिन एक एडवाइस है जिला प्रशासन की, तो हम सीधे तौर पर उन लोगों से अभी संपर्क नहीं स्थापित कर पाए हैं, लेकिन मानसिक तौर पर उन लोगों को तैयार किया जा रहा है और काउंसलिंग का काम है, यदि व्यवस्थाओं में कमी होगी तो निश्चित रूप से उसको तुरंत दूर भी किया जाएगा, क्योंकि फिर वे अब हमारी यानी कि मीडिया की नजर में होगी जहां पर इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, तो यहां पर हमारी अप्रोच बहुत आसान होगी। लेकिन एक बात जो संभाग आयुक्त जो बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कहा कि यदि जबलपुर शहर को बचाना है तो चांदनी चौक और गोहलपुर और हनुमानताल के इलाके से लोगों को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो पूरे जबलपुर जिले को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, जो कम से कम हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये संभाग आयुक्त का बयान है तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कमिटमेंट हो चुका है, तैयारी हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर से अनुमति मिल चुकी है, अब सिर्फ लोगों को धीरे धीरे शिफ्ट करना है, बिल्कुल तो इस तरह की तैयारियां है यहाँ जबलपुर में। बिल्कुल अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी देने के लिए। अरविंद हमारे साथ है, अरविंद चौहान जी। अरविंद जी, क्या कुछ है प्रशासनिक खबरें कोरोना को लेकर? प्रशासनिक सबसे बड़ी खबर यही है कि एक तरफ पूरा प्रदेश और देश कोरोना से लड़ रहा है, जो कोरोना के योद्धा हैं वो बराबर कोरोना को बिल्कुल मात देने में लगे हुए हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मनोबल दीपक टूटता चला जा रहा है, क्योंकि पिछले अगर बात करें तो 2 महीने से उन लोग को वेतन नहीं दिया गया, एक बड़ा पीड़ा और कहीं ना कहीं उनकी जो कसक है वो उन्होंने आज स्वराज एक्सप्रेस से साझा की। उनका कहना यह था कि बराबर वो लड़ रहे हैं, एक तरफ सरकारें हैं वो बराबर गरीबों को लाने में उससे परहेज नहीं करते हैं, उनका लाना भी जरूरी है, लेकिन जो योद्धा लड़ रहे हैं चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो निगमकर्मी हों, चाहे वो कह सकते हैं कि राजकीय प्रशासन के लोग हैं, जो शासकीय लोग हैं, उनके बैंक खातों में सैलरी नहीं पहुंच रही है और लगभग 3,000 करोड़ अभी राज्य सरकार को इन जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, इनका भुगतान करना है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उनका कहना है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार, एक तरह हम बराबर सुबह से लेकर शाम तक कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं और हमारा परिवार कहीं ना कहीं ये पूरा अब मुफलिसी का शिकार हो रहा है। एक तरफ सरकारें जनधन योजना में और जो भी योजनाएं हैं, कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी पैसा डाला जा रहा है, बराबर जनधन योजना में पैसा डाला जा रहा है, गरीबों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है और हमें उससे परहेज नहीं है, लेकिन एक बार फिर वो कह रहे हैं कि लगभग हमें जो वेतन मिलना चाहिए था वो वेतन भी नहीं मिल रहा है और हम बराबर काम भी कर रहे हैं, जो कहने की उनका मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर है, निश्चित तौर पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि जो वॉरियर्स हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक बराबर डटे रहते हैं, पीपीवी किट पहनकर लगभग 6-6 घंटे जो किट एक
15 से 20 मिनट कोई आम आदमी नहीं पहन सकता वो किट, वो 6 घंटे पहनकर बाकायदा जो मरीज हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी संक्रमण का खतरा रहता है। वो सारे जो वॉलंटियर्स हैं, अरविंद हम आपके पास आ रहे हैं, हमारे विजय नेमा उज्जैन संवाददाता थोड़ा विचलित हो रहे हैं। क्या खबर है नेमा जी? सुना है जैसा कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि उज्जैन से एक सुखद खबर यह है कि अब मौतों का आंकड़ा रुक गया है। जी सर, मौतों की अगर बात की जाए तो मौत का आंकड़ा तो थमा हुआ है, प्रशासन लगातार सक्रिय बना हुआ है और प्रशासन अलग अलग तरीके के उपाय और रणनीति बनाई जा रही है उज्जैन में, जिसको लेकर अभी तक तो फिलहाल कोई मौत कुछ समय के लिए देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कल एक आडीगाड़ी अस्पताल में डॉक्टर पॉजिटिव आए, इसके बाद में एक सबसे बड़ा वक्त ये हुआ कि उन्हें उन्होंने डॉक्टर ने खुद इंदौर रेफर करने की मांग की, तो इसपे आडीगाड़ी अस्पताल में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आडीगाड़ी में वो सेवाएं नहीं है क्या, डॉक्टर ने इंदौर रेफर करने की मांग की है, ये भी कई सवाल आडीगाड़ी हॉस्पिटल पर खड़े करता है। जी मतलब आडीगाड़ी हॉस्पिटल बाकी कोरोना पेशेंटों का इलाज हो रहा, डॉक्टर को हुआ तो वो बोल रहे हैं कि हमको इंदौर रेफर कर दो। हाँ। निश्चित आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी कोई नए पेशेंट और मिले क्या और किस एरिए से मिले अगर मिले तो? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बंडनगर से 13 पेशेंट एक ही परिवार के मिले, राठौर परिवार के लोग हैं और पूर्व में पॉजिटिव पाए गए दिलीप गुप्ता डॉक्टर जो कि गुप्ता हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनके हॉस्पिटल में इनके परिवार के एक बुजुर्ग 70 वर्षीय का इलाज हुआ था और इलाज के बाद उनके सैंपल लिया गया था, सैंपल लेने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए थे और फिर उनके परिवार का सैंपल लिए गए 25 लोगों के, जिसमें 13 लोग पॉजिटिव आए हैं जो कि दिलीप गुप्ता एक नगर के बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक है और उनका हॉस्पिटल निजी है और उनको प्रशासन ने मना बोला था कि आप आपके यहाँ पूर्व में संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है और कृपया किसी का इलाज मत कीजिएगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इलाज किया लोगों का और उसका खामियाजा बंडनगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। इनके खिलाफ कोई शिकायत हुई, प्रकरण दर्ज हुआ क्या, पुलिस ने कुछ किया प्रशासन ने? बड़नगर पुलिस में इनके खिलाफ 181, 269, 270 के तहत कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़नगर की जनता सोशल मीडिया के माध्यम से मांग कर रही है कि इनके हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, क्योंकि इनसे ग्रामीण क्षेत्र के और आसपास क्षेत्र के कई लोगों ने इलाज करवाया है। तो ये इनका खुद का टेस्ट हुआ क्या डॉक्टर साहब का? हाँ, ये खुद पॉजिटिव पाए गए थे और इंदौर में इनका इलाज चल रहा है अरविंदो हॉस्पिटल में, ये इंदौर पहुंच और इनके परिवार के लोग भी संक्रमित पाए गए, डॉक्टर साहब के परिवार के भी सदस्य संक्रमित पाए गए। चलिए 13 मिले हैं और बाकी आज वहां से कुछ डिस्चार्ज भी हुए क्या? हाँ, डिस्चार्ज भी हुए हैं, डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या लगभग 10 है और 106 लोग अभी तक स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, कल 96 संख्या थी आज 106 हो गई है और लगातार स्वस्थ हुए मरीजों की भी उज्जैन में संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़नगर के लिए चिंता का विषय बना हुआ, बड़नगर में थोक में कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन की चिंता बड़नगर के लिए बढ़ती जा रही है। विजय, जैसे कि 4 अस्पताल शासन ने जिन्हें स्वीकृत दी है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, जिसमें से एक आरडी गार्गी भी है, क्या वहां पर किसी भी पेशेंट पे इस तरीके की थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है अभी तक? जी, अभी तक तो थेरेपी का इस्तेमाल किसी भी पेशेंट का नहीं किया गया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य अधिकारी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इस्तेमाल प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, एक सवाल था कि जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि 4 हॉल्ट बनाए गए हैं जो ट्रेनें रुकेंगी यहाँ पर, लेकिन अब ऐसे में जो यात्री जाहिर है कि आएंगे और जाएंगे, क्या उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं, क्वारंटीन करने की व्यवस्था या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है कि जो लोग आएंगे जाएंगे उनके लिए?
जो वहाँ से बाहर से आ रहे हैं, हाँ। तो सबसे पहले एक नियम बनाया है जो रेलवे ने भी जारी किया है और साथ में जो केंद्र सरकार ने भी जारी किया है, जो भी यात्री ट्रेवल करते हैं और अपने गंतव्य तक जाते हैं तो सबसे पहले स्क्रीनिंग, सबसे पहले तो जो उनका टिकट होगा वो टिकट कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑनलाइन टिकट उन्हें लेना पड़ेगा, काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद जब वो स्टेशन पर आएंगे तो उनके, क्योंकि एसी में सफर कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एक चादर, एक कंबल और खुद के लिए खाना कंपलसरी कर दिया गया है। और जब वो स्टेशन पर आएंगे तो उनकी बाकायदा वहां पर स्कैनिंग होगी, स्कैनिंग के बाद उनकी पूरी जांच होगी और जांच में अगर फीवर नहीं पाया जाता और जो वहां अधिकारी बैठे हुए हैं वो संतुष्ट होते हैं कि अब ये जा सकते हैं तो ही उन्हें जाने की परमिशन दी जा रही है। और यहाँ जब जहाँ जिस स्टेशन पर वो उतरेंगे उसके बाद दोबारा वहाँ फिर जांच होगी और जब वो अपने गांव पहुंचेंगे जहाँ वो रहने वाले हैं उस जिले का जिला प्रशासन ये तय करेगा कि ये जो है इन्हें क्वारंटीन किया जाना चाहिए या इन्हें होम में घर पे रहने की इजाजत दी जाएगी। तो ये जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन तय करेगा। तो साफ तौर पर कह सकते हैं, आपने कहा कि उनको पहले चेक होगा, फीवर तो नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, उसी के बाद आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। अभी तो नई चीज आ गई है कि सिम्टम्स नहीं है और कोरोना पॉजिटिव, किसी तरह सिम्टम्स नहीं पाए गए और वो और भी गंभीर मामले हैं। नहीं, अगर ऐसा होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिम्टम तो होता ही है कि फीवर हल्का सा होना, बुखार होना बहुत अच्छा, ये कंपलसरी और कर दिया गया है। ट्रेवल वो ही कर सकता है जो आरोग्य सेतु, जिसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं होगा उसे ट्रेवल करने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके बाद जिला प्रशासन होगा जहां पे वो यात्री जा रहा है, जिस जिले में जा रहा है वहां का प्रशासन तय करेगा। और साफ तौर पर ये भी है कि लगभग 14 दिन उसे होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, ये भी बात कही जा रही। तो साफ तौर पर बड़ा पूरा जो केंद्र सरकार है और जो रेलवे प्रशासन है फूंक फूंक का कदम रख रहा है कि ये कैसे भी करके इस जो महामारी है ये इसे फैलने ना दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब मात्र 5 दिन से बचे हैं जो तीसरा लॉकडाउन है, 17 मई को इसे खत्म होना है और इसी के चलते कल बराबर लगभग मैराथन मीटिंग की गई, मैराथन बैठकें हुई हैं और प्रधानमंत्री ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है, तो निकलकर यह सामने आया है कि जो प्रमुख जिले हैं उन्हें छोड़कर बकाया गतिविधियां चालू कर दी जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह आई, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि 3,000 करोड़ अभी सरकार को देना है, एक संकट और भी बहुत खड़ा हुआ है जो अन्नदाता है। किसान जो गेहूं बेच रहे हैं और गेहूं समितियां खरीदती हैं, समितियां खरीदने के बाद उन्हें वेयर हाउस में रखा जाता है लेकिन उसमें इतना विलंब हो रहा है, लाखों मैट्रिक टन इस समय गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। यहां तक आप देखेंगे कि जो समितियां हैं, जो वेयर हाउस के लोग हैं, उनने उस गेहूं पर एक कह सकते त्रिपाल तक नहीं डाली है, लाखों मैट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, रोज बारिश हो रही है। तो साफ तौर पर कहेंगे कि हजारों करोड़ रुपए जाहिर है वो बारिश की वजह से जो गेहूं खराब हो सकता है वो हम जानेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हमारे सचिन राठौड़ जुड़ गए हैं बड़वानी से संवाददाता। सचिन, बड़वानी में क्या हाल है अब तक? आज भी मिले हैं कुछ नए पेशेंट? जी दीपक, हम बता दें अभी तक तो कुछ भी नए केसेस सामने नहीं आए हैं। बड़वानी में 26 कोरोना पॉजिटिव केस थे जिसमें से 25 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है जिनकी रिपोर्टें नेगेटिव आई थी। वहीं अब एक केस, मतलब बड़वानी पूरे बड़वानी में सिर्फ एक कोरोना पॉजिटिव है। जी सर, पूरे बड़वानी में अब एक ही कोरोना पॉजिटिव बचा है जो आशाग्राम में आइसोलेट है सर, जिसकी फर्स्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है, सेकंड रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे सेकंड रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आती है तो उसे भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ग्रीन जोन में आ गया बड़वानी सर? हम रेड जोन से ग्रीन जोन, ग्रीन जोन से रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आने की बात करें तो उसमें केसों की वरीयता को मान्यता नहीं दी गई है, उसमें केसों से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय गवर्नमेंट ने 4 बिंदुओं की एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें टेस्टिंग, डबलिंग व एक्टिव केसों की वरीयता सूची को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें बड़वानी जिला प्रशासन समन्वय बनाने में नाकाम साबित हुआ, इसके लिए बड़वानी को रेड जोन में रखा गया है। मतलब टेस्टिंग कम हुई बड़वानी में, इस कारण टेस्टिंग कम हुई, डबलिंग कम हुई है, वरीयता सूची जो कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज थे उनकी वरीयता सूची भी जारी करने में लेट हुई। तो संभाग आयुक्त द्वारा जो समीक्षा बैठक की गई थी उसमें इन 4 बिंदुओं को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें बड़वानी समन्वय बनाने में नाकाम साबित हुआ था, जिसके चलते इसे रेड जोन में रखा गया था। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी सचिन ने इस तरह से किया है, इसलिए ग्वालियर को भी रख दिया गया था। सोच रहे थे जी सचिन, और कोई नई जानकारी बड़वानी में? जी सर, हम बात करें जो 26 केस थे, 26 केसों में जो इनके स्रोत थे, कोरोना कैसे आया, क्या करा, ये सभी प्रशासन के संज्ञान में है, नया केस कोई भी नहीं है। साथ ही हम बता दें जो 26 केसों में 6 स्वास्थ्य कर्मी थे, जिसमें मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी खुद कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जो कि अब नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वापस अपने फील्ड पर आ चुकी है, वह कोरोना योद्धा बनकर जंग लड़ रही है वापस।
चलिए बहुत। और हम बात करें बड़वानी में, अभी तक 7 जिला मुख्यालय में 7 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, वहीं 18 केस सेंधवा के हैं, राजपुर ब्लॉक के भामी गांव का एक केस है। अब जो 18 केस सेंधवा के, इसमें 17 लोग एक ही परिवार के थे, एक स्वास्थ्य कर्मी था, ये 18 लोग आए थे। वहीं बड़वानी जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो 7 में से 5 स्वास्थ्य कर्मी थे, एक विद्यार्थी था जो दिल्ली गया था एग्जाम देने, दिल्ली से आने के बाद उसकी रिपोर्ट, उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। एक अन्य व्यक्ति था जो दिल्ली गया था, वह भी आया था, जिसका टेस्टिंग की गई थी तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इस तरीके से एक केस आया था। सचिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको सारी जानकारी देने के लिए। एक बार अरविंद संक्षेप में और कुछ बता रहे थे आप, बहुत संक्षेप में। हाँ, ये बता रहा था कि जो खबर बड़ी खबर है, क्योंकि गेहूं यहाँ पर खरीदी हो रही है और प्रदेश सरकार बराबर जो किसानों को भुगतान भी कर रही है, लेकिन जो हर साल ऐसा होता है कि लाखों टन गेहूं सड़ जाता है या नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है, वो किसी काम में नहीं आता। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या गेहूं खरीदने के बाद उसे रखने की उचित व्यवस्था समितियां क्यों नहीं करती, समितियों को बाकायदा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमीशन दिया जाता है। बहुत बड़ा सवाल है और ये कई सालों से चल रहा है। सवाल ये है कि कई सालों से चल रहा है, ना ही वेयर हाउस, ना ही कह सकते हैं कि जो प्रशासन है, प्रशासन को भी सब कुछ दिखता है लेकिन इस पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। केव बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और केव जो बनाए जाते हैं उनकी जगह भी ऐसी तय नहीं होती है, उसमें पानी घुस जाता है अंदर से, ऊपर से तो उसको ढक दिया जाता है लेकिन पानी घुस जाता है। इसमें ये सबसे बड़ी समस्या ये होती है, यही गेहूं है जो कहीं ना कहीं बांटा जाता है, जो दुकानों पर, जो राशन की दुकानें हैं उन पर ये गेहूं जाता है, वो यही गेहूं कहीं ना कहीं सड़ा गला होता है और सप्लाई किया जाता है। एक बड़ी खबर और भी निकल कर सामने आ रही है कि जो समितियां हैं, जो चूंकि गवर्नमेंट की समितियां होती हैं, ये क्या करती हैं, अच्छा गेहूं खरीदती हैं और जो स्थानीय व्यापारियों से उस गेहूं को खराब गेहूं के बदले बदल लेती है, क्योंकि यहां बारिश हो रही होती है और वहां पर बहुत लाखों टन गेहूं कह सकते हैं वहां सड़ना होता है, तो ये अच्छा गेहूं व्यापारियों को दे देती हैं और उनसे खराब गेहूं लेकर उसमें स्टॉक में शामिल कर दिया जाता है। अरविंद जी समय कम है, कल बात करेंगे इसमें और मुद्दे पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजू पटेल जुड़ गए खरगोन से। राजू, क्या है खरगोन में? जी, खरगोन में यदि यहाँ पर खरगोन जिले की बात की जाए तो अभी यहाँ पर कुल 92 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें 52 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अभी तक 8 लोगों की मृत्यु हुई है। जी, 8 लोग मृत्यु हुई? हाँ, तो मतलब 60, मतलब 32 लोग अभी एक्टिव है वहाँ। जी, 32 लोग अभी एक्टिव है यहाँ पर। कुछ आज और कल सैंपल कितने लिए गए वहाँ? सैंपल सर अभी पिछले करीब 70 से ज्यादा सैंपल लिए गए और अभी फिलहाल में 146 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। तो ये ऑलरेडी पहले से क्वारंटीन थे कि बाहर से आए हुए हैं? क्या केस स्टडी क्या है इनकी? जी, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि खरगोन के जो कानापुर गांव है वहां पर 7 मजदूर आए थे गुजरात से, मजदूरी के बाद उन्होंने यहाँ स्कूल में क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन क्वारंटाइन के बाद में उनकी रिपोर्टें ली गई थी जिसमें 30 लोगों की रिपोर्ट ली गई थी, 30 में से 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव हुई है अब। और ये मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से इसका जो असर है वो गाँव में देखने को मिल रहा है, गाँव में लोग भयभीत हो चुके हैं क्योंकि ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर बाहर से मजदूर नहीं आए हो। राजू, एक खरगोन में ही जो पुलिस वालों के बाल काटने वाला नाई कोई पॉजिटिव पाया गया है, उसकी जांच हुई, किस किस के कनेक्शन में था? जी, जो पुलिस वाले जो वहाँ पर है शेड्यूल करता था डीआरपी लाइन में, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में पुलिस महकमे में पूरा हड़कंप मच गया था और उसके बाद में एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने बताया था कि वो एक सप्ताह पूर्व इंदौर ट्रेजरी के काम से गए थे और उसके आने के बाद में यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों की दाढ़ी और शेविंग कटिंग का काम भी किया है। अब प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उनके संपर्क में कौन कौन आए थे और ऐसे लोगों को क्वारंटाइन करके जहाँ पर जैसे लक्षण दिख रहे हैं वैसे उनको इनके सैंपल लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका राजू पटेल। संजय जुड़ गए, क्या संजय कुछ नई जानकारी आपके पास मध्य प्रदेश की या भोपाल की? सर, मैं अभी तो भोपाल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा मध्य प्रदेश पे भी उस पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सर, आज अगर हम देख लेते हैं, इस टाइम अगर हम यहाँ आपसे बात कर रहे हैं और जो बाहर जाने वाले लोग हैं, रीवा सतना के जो लोग हैं, आज एमपी नगर में हजारों की संख्या में वहां खड़े हुए हैं। उनको अफवाह फैला दी गई थी कि वहां पे बसें भेजी जा रही है, शासन प्रशासन ने इसकी व्यवस्था की है, जिसको लेकर बड़ी धूप में आज वहां पे हजारों की संख्या में रीवा सतना के वासी वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की अभी तक उस क्षेत्र में नजर नहीं
नहीं गई, ना ही वहां कोई एसडीएफ पहुंचा, ना पुलिस प्रशासन पहुंचा है कि उनको समझाया जाए कि कोई बस नहीं जा रही है। सर, ये एक लापरवाही तो आज राजधानी में देखने को मिल रही है। इसी प्रकार की अगर देखा जाए तो जो मजदूर है जिन्हें भेजने की बात करता है शासन प्रशासन, कहता है कि हम उनके लिए बस की व्यवस्था कर रहे हैं, ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, इसी प्रकार का एक वाक्य और हुआ आज की बात, जो आईटीआई भोपाल में आईटीआई जो है मेन आईटीआई, वहां से कई मजदूर जब सरकार के पास उन्होंने अपनी गुहार लगाई और उनको जाने का मौका या उनके लिए कोई सुविधा नहीं की गई, तो आज वो लोग भी वहां से छत्तीसगढ़ के लिए पैदल निकले हैं। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक एक जो इन लोगों जो मजदूर है उनकी बातें तो बड़ी हो रही है लेकिन उनके लिए काम बहुत कम छोटी भाषा में देखा जा रहा है। सर, अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो जब आज की बात है कि अब ये बताया गया है कि मजदूरों को लेकर कई बसें जो भोपाल पहुंच रही है, इन भोपाल में पहुंचे मजदूरों को क्वारंटाइन किया जाएगा या इन क्षेत्रों में रखा जाएगा, लेकिन मजदूर जो भोपाल से जाने वाले मजदूर हैं उनके लिए आज भी आफत खड़ी हुई है। वो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था इस प्रकार से नहीं की गई है कि उन्हें मजदूर कहां से जाए। अगर ऑनलाइन की बात कर ली जाए तो ऑनलाइन कई मजदूरों के पास मोबाइल ऑनलाइन के नहीं होते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। यहां तक कि सरकार ने किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो उन मजदूरों के लिए जो एक सरल तरीका है वो कहीं से भी इजाद नहीं किया या कोई सरल तरीके से उन मजदूरों को नहीं समझाया कि वो अपना रजिस्ट्रेशन या अपनी जाने की सुविधा के लिए किससे संपर्क करे। तो इस प्रकार से भी मजदूरों को देखकर आज भोपाल में लग रहा है कि यहां राजधानी में भी कहीं ना कहीं इन मजदूरों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है, जिसको लेकर आज जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मजदूर पैदल ही जो आईटीआई के मजदूर थे पैदल ही छत्तीसगढ़ के लिए निकल गए, उनको कहीं ना कहीं अभी समझाइश दी गई लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं की गई। आज की बात ये रिवांचल की जिस प्रकार से रीवा के सत्ता के जो लोग हैं, जो जनता यहां खड़ी हुई है, उसको भी लेकर सरकार ने अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया। जिस प्रकार ये बताया गया था कि 13 और 17 तारीख को इंदौर से एक विशेष ट्रेन जाने वाली है जो रीवा सत्ता के लोगों को लेके जाएगी, लेकिन किस प्रकार के लोगों को लेके जाएगी, बताया गया था, किसने बताया उनको? सर, ये रीवा सत्ता के लिए जिस प्रकार की बात आई थी कि रीवा सत्ता के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी, रेलवे प्रशासन का ये कल की एक सूचना थी कि वहां से इंदौर से एक ट्रेन चलेगी 15 को और एक 17 तारीख को जो रीवा और सत्ता के लिए जाएगी। और सर, इसी प्रकार से आज जब ये अफवाह फैली कि यहां से बसें जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन वहां पे बसों को लेकर भी कोई भी इंतजाम नहीं किए गए, और अभी भी वहां पे अगर देखा जाए तो एमपी नगर के डीवी मॉल के सामने कई बड़ी संख्या में वहां पे रीवा सत्ता के जाने वाले लोग अपने अपने सामान लेकर वहां पहुंच चुके हैं। जी सर, बड़ी गंभीर बात है। हालांकि ये बहुत इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी या कठिनाई नहीं आएगी, अगर यहाँ का परिवहन विभाग 15-20-25-50 बस इतने लोग नहीं होंगे कि अलग अलग, और पहले दो दिन पहले सूचना दे दे कि भाई जो लोग रीवा सतना के हैं वो लोग अपने को सूचना दे और रजिस्ट्रेशन करा दे, पास की जरूरत नहीं है, उनको सीधे भेज दे टेस्ट करा करके, तो कम से कम इस तरह की सुविधाएं जो बता रहे हैं कि धूप में खड़े हैं हालात नहीं है, अगर इसी तरह अलग अलग शिवपुरी और शिवपुरी में फंसा हुआ भोपाल, इसमें ज्यादा से ज्यादा मुझे नहीं लगता सिचुएशन कम हो जाएगी। कपिल तिवारी धार से जुड़ गए हैं, कपिल धार की क्या पोजिशन है? सर, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति यथावत बनी हुई है, इसमें सुखद समाचार यह है कि कल दो मरीजों को स्वस्थ होने पर रिलीज किया गया है और पूरा जो पुरानी जांच रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है। हाँ, नए मरीज भी मिले हैं कुछ? हाँ, अभी सर कोई नए मरीज नहीं आए क्योंकि 2 रोज से रिपोर्ट भी नहीं आई है कोई। कितनी रिपोर्ट आनी बाकी है? 253 रिपोर्ट जो है आने शेष है अभी। गंभीर है। कितने दिन हो गए अभी रिपोर्ट सैंपल लिए गए तब से रिपोर्ट नहीं आई? सर, 3 रोज पहले 9 रिपोर्ट जो है वो आई थी, जिनमें से 7 पॉजिटिव आए थे और 5 रिपीट आए थे पीथमपुर के। आपके यहाँ से डेथ उतनी हुई कोई कोरोना चलते? 2 डेथ हुई है सर, जो वो कुक्षी से है सर। ये इनको कोई और बीमारी भी थी क्या? क्या उम्र रही होगी? कौन है ये जिनकी डेथ हुई है? ऋषभ पर के पहला बंदा जिसकी डेथ हुई थी वो कुक्षी निवासी है, जो महाराष्ट्र से घूम के आए थे, किसी कारण से गए थे और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बताया नहीं घर पे, और उनकी जो मदर थी वो एक स्वास्थ्य विभाग में कार्यकर्ता थी, इसलिए वो वहाँ इलाज करते रहे और कई लोगों से इलाज करते रहे, और जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उनका जब सैंपल लिया गया वो पॉजिटिव आया, उनको तत्काल इंदौर पहुंचाया गया था जहाँ उनकी 2 रोज हॉस्पिटल में रहने के बाद मौत हो गई थी। क्या स्थिति उनकी?
इनकी एज लगभग 32-35 साल के समथिंग। धन्यवाद।